यू और कैन यू राइज अबव दोज चैलेंजेस। अब इन्होंने जो किया आपको पता होगा जो भी है, तो अब यस रिपोर्ट कार्ड डे है। तो यहां पे भी देखो जो फाइव ऑफ वॉन्स की जो कंफ्यूजन है ना यहाँ पे छट रही है, क्योंकि इन लोगों का काम हो गया, इनका काम था कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना उनके लाइफ में, उन्होंने क्रिएट किया। अब डेस्टिनी इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, डेस्टिनी विल हैंड ओवर थिंग्स। शनिदेव आ गए हैं रिपोर्ट कार्ड लेके, बेस्ड ऑन वॉट यू हैव डन, बेस्ड ऑन वॉट यू हैव डन इट्स द डेस्टिनी। अगर आप देखो तो ये कॉन्शियस लेवल का कार्ड है ना। अब हाई प्रीस्टेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। हाई प्रीस्टेस कौन होती है? जो कि कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अपने लिए रखती है, समय आने पे ही रिवील होती है। तो वो चीजें हैं, दिस इज दी रिविलेशंस दैट इज टर्निंग द डेस्टिनी और रादर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, एंड या एटीट्यूड में विक्ट्री मार्च है, इनके रिलेशनशिप में विक्ट्री क्यों आता है आई डोंट अंडरस्टैंड, बट इट कीप्स शोइंग दैट देर कुड बी सम रीजन। वॉट इज दिस विक्ट्री मार्च? डज दिस मीन दैट बोथ ऑफ देम वर वेरी प्राउड ऑफ देयर रिलेशनशिप नो मैटर वॉट? इसका मैं क्लैरिफायर पुल करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इट्स मोर लाइक कि ना, जैसे कि आपने, जैसे कि आप मान लो कि क्लास स्टैंडर्ड 10th में हो, ठीक है, ये दोनों स्टैंडर्ड 10 में थे, और इन्होंने अपना जो भी इनके पूरा एक साल इन्होंने स्टैंडर्ड 10 में रहा, पढ़ाई की नहीं की, बार बार गाइडेंस भी आया कि ऐसे करने से ठीक हो जाएगा, ऐसा करना, ये तुम्हारा लेसन है, सरेंडर दिस सरेंडर दैट, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, अब एक साल पूरा इनको गाइडेंस भी मिला, ऑप्शंस भी मिले कि आप ये करके अपना एनर्जी चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट। अब ये लोगों ने पूरा साल अपना पढ़ाई लिखाई किया और किया नहीं किया, जो भी किया, गाइडेंस इनको प्रॉपरली मिल रहा था। अब साल खत्म होने वाला है, मार्च आ गया है, अब रिपोर्ट कार्ड डे है। अब बेस्ड ऑन जो भी आपने पूरे साल किया है उसके बेसिस पे अब डेस्टिनी ने, अब शनिदेव ने, स्कूल की टीचर ने अब कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, पावर स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया है। अब बेस्ड ऑन वॉट एवर दे डिड, रिजल्ट बहुत तेजी से इनके पास आ रहा है। ठीक है, चीजें अब जब रिपोर्ट कार्ड होता है तो मैम और मिस होती है ना जो बताती हैं कि ये तुमने ठीक नहीं किया, वो तुमने ठीक किया, ये सारी चीजें रिवील हो रही हैं सबकॉन्शियस से, और ये जो रिवील हो रही हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी मूव कर रहा है ऐसे ऐसे करके, मानी कि उनका समय मूव कर रहा है, चीजें चेंज होंगी उनके लाइफ में, चीजें चेंज होंगी तो विल इट बी गुड फॉर बैड वी विल हैव टू सी। यहाँ पे देखिए ओके, तो यहां पे मैं बता रही थी, इस कार्ड को बेसिकली एक्सप्लेन कर रही थी। तो हाँ, जो अभी रिपोर्ट कार्ड डे है ना, तो बोथ ऑफ देम आर लाइक सुम्बुल एंड फामान, बोथ ऑफ एक दोनों का ही कार्ड एक इंडिविजुअली आ गया है, ये सुम्बुल का कार्ड है और ये फामान का कार्ड है, तो दोनों ही आके बैठ गए हैं रिपोर्ट कार्ड में क्लासरूम के अंदर कि क्या होगा। एक चीज तो डेफिनेटली है कि वो दोनों ही बहुत प्राउड फील करते हैं ऑन ईच अदर एंड देयर रिलेशनशिप, चाहे तो वो आगे बढ़ेगा या ना बढ़ेगा पता नहीं है, लेकिन हाँ सो फार दे आर हैप्पी विथ, दे आर प्राउड ऑफ ईच अदर, दे आर प्राउड ऑफ देयर रिलेशनशिप दैट वॉज और दैट इज और दैट विल बी, होगा कि नहीं होगा वी डोंट नो, वी विल सी, लेकिन इतना तो है कि वो काफी प्राउड फील करते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, दे हैव दिस सेक्रल उनकी एंड एक तो ये सिक्स ऑफ वॉन्स का कार्ड ही है जहां पे एक प्राइड है रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए, और दूसरी चीजें हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है इमोशंस का, क्योंकि दोनों के कार्ड ही सेक्रल चक्रा के हैं, स्वादिष्ठाना के हैं। रिलेशनशिप में प्राइड है, लव है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट फैमिली टेल्स, व्हाट फैंस टेल, फैंस सपोर्ट नॉट सपोर्ट, क्योंकि फैंस का सपोर्ट क्या होता है, बहुत कंडीशनल होता है, ऐसे तुम दोनों प्यार करोगे तभी हम तुमको सपोर्ट करेंगे, यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज, बट यहाँ पे इनका सब प्यार मुझे, या फिर जो भी रिलेशनशिप बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, जो भी रिलेशनशिप है दोनों में सेम कलर है, कोई कलर में डिफरेंस नहीं है, यानी कि इसके इसकी जो फीलिंग्स इसके लिए है, इसकी इसके फीलिंग्स जो इसके लिए है, इसमें कलर में कोई डिफरेंस नहीं है, देर इज नो डिफरेंस, दे आर ऑफ सेम कलर, तो इनका जो प्यार का रंग अगर बोले जस्ट फॉर द ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन सेम है, रंग का डेंसिटी भी सेम है, दे आर ऑल भगवा,
अब यहां पे देखो तो वही चीज है भी, यहां पे दे आर प्राउड ऑफ इट इवन इफ पीपल आर नॉट, और वॉट, इनकी अपनी एटीट्यूड है रिलेशनशिप की, जहां पे दे आर प्राउड ऑफ देयर रिलेशनशिप. आई होप यू अंडरस्टैंड मी. हाउ एवर, हाउ एवर, तो ये हमने क्या बोला कि विक्ट्री मार्च है इनकी. जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे कि आप परेड में भी देखे होगी, परेड खत्म होता है तो एक विक्ट्री मार्च करके वो लोग आके खड़े हो जाते हैं कि यस वी कंप्लीटेड दिस थिंग, नाउ वी विल वेट फॉर द रिजल्ट. हाउ एवर, यहां पे देखो इन्वायरमेंट में टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स हो गया है. डू यू सी दिस? आई थिंक ये फामान वाला कार्ड है जहां पे वो फामान बहुत कंसिडर कर रहा था, विल ही टेक दिस, विल ही टेक नॉट, विल ही टेक दिस, विल ही टेक नॉट. ओके, एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि ये कलर्स इन स्टार प्लस की कुछ चीजें थी जहां पे उसने कलर्स को चूज कर लिया और स्टार प्लस को नो कर दिया. क्वाइट पॉसिबली अगर वो स्टार प्लस को चूज करता तो शायद इनकी रिलेशनशिप आगे बढ़ती, ठीक है, बट क्योंकि फामान ये बहुत कंसिडर कर रहा था, डू यू रिमेंबर इन द लास्ट रीडिंग, पर ये वाला रास्ता जो उसे मिला था यहां पे इन्वायरमेंट में अब जाके बंद हो गया है. डू यू अंडरस्टैंड? यानी कि क्वाइट पॉसिबली फामान ने ये वाला जो ऑफर आया था उसको, जिसको वो बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहा था लास्ट वीक, उसने ये रास्ता बन नहीं पाया, खुल नहीं पाया. टू ऑफ वॉन्ड इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड चूजिंग टू गो समवेयर. ये इन्वायरमेंट में इस वीक आके अब क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है. यानी कि आई थिंक क्योंकि ये फामान की रीडिंग में हमने देखा था कि वो कंसिडर कर रहा है लेना है कि नहीं लेना है. आप लोगों ने भी इस तरह की कुछ बात की कि कलर्स एंड स्टार है, कलर्स एंड स्टार है. हाउएवर उसने जो भी डिसीजन लिया है, चाहे तो वो कलर्स को लिया हो चाहे तो स्टार को लिया हो, इनकी रिलेशनशिप की अब हम बात कर रहे हैं, सुंबुल एंड फामान की, तो इन्वायरमेंट में क्या है, ब्लॉकेज है. यानी कि टू ऑफ वॉन्स के जो रास्ते खुल रहे थे वो बंद हो गया है. तो ये विक्ट्री मार्च जो हो रहा है, क्या ये यहां पे आगे बढ़ जाएगा? नहीं, क्योंकि आपने आपने क्या किया, इस विक्ट्री मार्च जो आगे जा रही थी, भले ही आप दोनों प्राउड हैं और जो भी हैं, इमोशंस का सेम रंग है, प्यार के सेम रंग है, लेकिन ये जो विक्ट्री मार्च आपने की, इससे आपने खुद ही मुंह फेर लिया है. यूनिवर्स ने आपको मौका दिया था और वही बात मैं यहां पे फिर से आ गई है कि अभी तक आपने जो भी किया, यूनिवर्स ने आपको बहुत सारे मौके दिए, बहुत बार मौका दिया टू मेक वाइज डिसीजन, टू मेक डिसीजंस, इंट्यूटिव डिसीजंस एक्चुअली, ठीक है. बट एनीवेज, अब जैसा कि मैंने आपको बोला भी और जैसा मैं फील भी कर रही हूं कि अब द कंट्रोल और द स्टीयरिंग व्हील और द पावर ऑफ अटर्नी इज इन द हैंड्स ऑफ द डेस्टिनी. अब डेस्टिनी कंट्रोल ले लिया है कॉन्शियस लेवल पे आके. आपने जो भी डिसीजन मेकिंग आपका लास्ट वीक तक ही था, ठीक है, आपको लास्ट वीक तक और रादर पूरे साल, पूरे जनवरी आपको बहुत मौका दिया गया, लेकिन यस नाउ इट इज टाइम फॉर, यू हैव डन वॉट यू हैव डन. अब डेस्टिनी ने आके कमान संभाल लिया है क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि यस यू डोंट वांट टू गो विथ समथिंग बिकॉज ऑफ वॉट एवर द रीजन. आपने ये रास्ते खुद बंद किए हैं, एनवायरमेंट का कार्ड है, अपोजिट भी था तो रास्ते खुद बंद हो गए. तो जब आपने खुद ही मूव फेर लिया है तो किसी को भी ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, चाहे तो योर यूनिवर्स हो चाहे तो वो टैरो जीनी हो. ओके, आई कैन ओनली रीड द कार्ड्स. उनके डिसीजंस उनके डिसीजंस होते हैं. ये घोड़ा ऑब्वियसली आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे तो वो कितना भी प्राइड फील करें, कलर हो रिलेशनशिप का सेम, दे हैव मेड देयर ओन चॉइसेस गाइस. ओके, एंड इट इज व्हाट इट इज. और यहां पे भी देखिए एस ऑफ कप जो कि ऑप्शन लेके आया था, एक न्यू बिगिनिंग, मैं बार बार आपको बता रही हूं कि एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बट यूनिवर्स विल नॉट फोर्स यू टू टेक दिस न्यू बिगिनिंग. अगर आप फियर में आके, जजमेंट में आके, ईगो में आके, मुझे फर्क नहीं पड़ता है मैं आके, अगर आप ईगो बेस्ड डिसीजंस लेते हैं या फिर जो भी लेते हैं, कोई भी चीज से लेते हैं, तो एस ऑफ कप को आपने खुद ही ना बोला है, राइट? तो एस ऑफ कप भी उल्टा आ गया है. एस ऑफ कप जब हम शफल कर रहे थे तो ऐसा आया था, अब ये होप्स में उल्टा हो गया, यानी कि आपने खुद ही नो बोल दिया है इस न्यू बिगिनिंग को. सो आई कैन नॉट हेल्प, दिस इज देयर डिसीजन. और क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिक्स ऑफ कप रिवर्स हो गया, ये भी पास्ट वीक की एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, राइट? और इस तरह से क्या हो रहा है, एक कंप्लीशन हो रहा है, ये फेज का कंप्लीशन हो गया है, ठीक है. आपको बहुत मौके दिए गए, आपने अपना डिसीजन ले लिया है एंड यूनिवर्स इज फाइन विद दैट. तो यहां पे देखो, हमने देखा था ना कि क्या करेंगे ये दोनों, ये वाला एग्जैक्ट सेम कार्ड आया था, क्या ये लोग सिक्स ऑफ कप्स की तरफ
बढ़ेंगे या फिर एट ऑफ कप्स की तरफ बढ़ेंगे। अभी एट ऑफ कप्स की तरफ बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ सिक्स ऑफ कप्स उल्टा आ गया है, यानी कि कुछ तो ऐसा डिसीजन हो गया है, दरवाजे बंद कर लिए हैं आपने अपने खुद के डिसीजन मेकिंग से, जहां पे आपकी इन दोनों की जो सिक्स ऑफ कप्स की जो इनोसेंट सी एनर्जी थी पास्ट की, वो अब ब्लॉक हो, वो अब